बोले रे माँ का राज ना बाप की चौधरे और प्यार रहा ना भाई का दादा एक एक बोल बिल्कुल सच्चा है और कड़वा है, और जो चीज कड़वी होती है वो कहीं ना कहीं असरदार होती है। बता दिया कि भाई माँ का राज ना बाप की चौधर और प्यार रहा ना भाई का, अरे हो गए मर्द गुलाम वीर के घर में राज लुगाई का। अगर बात सही हो तो तालियां बजा दो एक बार जोरदार जोरदार तालियां। आइए पहली कली में बताया कि साथियों जिस घर में माँ का राज होता था पूरे घर की ताली माँ के हाथ में होती थी। आज वो ताली वो चारज एक बहू के हाथ में चला गया। किस तरह से घर के चूल्हे चाखी अलग और घर में किस तरह का माहौल पैदा है साथियों, पहले नंबर पे भला के बताया। संसार हो गया साथी, इसीलिए आज का जमाना किस तरह है, एक भाई खुद भाई की गर्दन को काट रहा है, इस कलयुग का प्रकोप बताया है। दूसरे नंबर पे भला कवि के कहने लगा भाई का भाई पैरी होता हन्नाड़ काटलर
कहती आवे आप पाडू मुझे न पूते की। अरे सास ससुर की कदरी सिरे कदर करी के कुत्ते की। इसी वीर के मर्द फिर भी नोक चाट ले जूते की। सो जा सरन बांध जूड़ के लोटा ताप निभाई का होगे मर्द गुलामी के सर पे राज लगाई का। अरे होगे मर्द गुलामी के सर पे राज लगाई का। ओ भाई सच्चाई लिखी, कहा के एक माँ बाप के दो या चार या दस बेटे हो, उनको अपने खून पसीने की कमाई से पढ़ा लिखा के उनको एक मुकाम पैदा कर देते हैं, पर जब उनका बुढ़ापे का समय आता है, उनको दो रोटी देने का वक्त आता है साथियों, तो उनकी औलाद उनसे मुंह फेर जाती है। यहाँ तक बताया कवि महोदय ने कि आज के नौजवान की सोच यहाँ तक हो गई है। यहाँ तो फिर भी हमारा देहात है, और जहाँ बड़े बड़े शहर हैं वहां उनकी औलाद अपने माँ बाप में भी बंटवारा कर देती है कि 15 दिन के लिए बड़े भाई के पास रह लेंगे और 15 दिन के लिए छोटे भाई के पास रह लेंगे। साथियों यहां तक की सोच गिर गई है आज के नौजवान की। किस तरह से समझाने का काम कर रहे हैं कवि महोदय। तीसरे नंबर पे क्या लिखा, जाता है। मैं पूछना चाहूंगा रागनी आपकी समझ में आ रही है या नहीं आ रही? आ रही हो तो एक बार हाथ उठा के बताएं। क्या बात है, हाँ बिल्कुल दादा की समझ में नहीं आ रही, क्योंकि दादा अंग्रेजी जानता है, हिंदी समझ में नहीं आती। कोई बात नहीं दादा, तुम्हारे लिए एक स्पेशल कलाकार बुलाई है, उनकी समझ में आएगी आपकी। मैं
कोई बात नहीं, हो जाती है मिस्टेक हम जैसे कलाकारों से, कोई बड़ी बात नहीं है। पर लास्ट कली है इस रागिणी की, इसलिए मैं आपके लिए स्पेशल सुना रहा हूं, क्योंकि आजकल के बुड्ढे भी कुछ ज्यादा स्पेशल हो रहे हैं। गलती नौजवानों की भी नहीं है सारी, कुछ बुड्ढे भी आजकल ओपटा ज्यादा करने लगे हैं, क्योंकि ये जमाना बदल गया। आइए नौजवान साथियों की हालत बताइए कि आज के नौजवानों की हालत किस तरह की है, वो किस किस जाल में जकड़े हुए हैं, वो किस किस चीज में साथियों अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान किस तरह से खोते जा रहे हैं। अंतिम कली है, चार लाइनें हैं, कवि महोदय ने मोती की तरह लिखी है और ये बताया है। मत लगा दम, यहां सुन, घर में मुझसे कला करे पर साहब पड़े हाथे।